आदमी कहते ना किसी का कि सब बढ़िया काम धंधा, आदमी भी बड़ा पद पर प्रतिष्ठावान है, पर स्वभाव बड़ा खराब है, अच्छा नहीं है, किसी से अच्छे मुंह से बात नहीं करता। और एक आदमी की बड़ी प्रशंसा होती है, भाई कुछ भी कह लो, आदमी का स्वभाव एक करोड़ का है, करोड़ों का है, कोई भी चला जाए बड़ा हंस के मिलता है, उसका व्यवहार बड़ा कुशल है, होता है ना। आप चाहे कितने बड़े बन जाएं, कितना कुछ मिल जाए, कितना भी अर्जित कर लो संसार से, लेकिन अगर आपने प्रेम वाला स्वभाव यहां बनाकर नहीं गए तो आप बेकार में अपने अपने जन्म के ऊपर बोझ हो। क्यों? क्योंकि जो कमाना चाहिए वो आप नहीं कमा पाए। आपके स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति आपसे बातचीत करे, आपके व्यवहार की आपके सामने नहीं पीठ पीछे प्रशंसा हो, तो समझिए आपने अपने जीवन में इस जीवन की मूल्यता को पहचान लिया, आप सही जीवन जी रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं और हमसे बड़ा जलते हैं, वो हमारी अच्छाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हर एक आदमी जल रहा है तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने आप को परखें कि क्यों जलाया जा रहा है। अगर सब में ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, अपने आप को परख लें। क्योंकि एक दो का व्यवहार अगर चलता है संसार में तो समझ आती है, लेकिन सबका एक समान चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ही स्वभाव में कोई खराबी है, और उसकी जांच पड़ताल करके ठीक ठाक कर लेना चाहिए। क्योंकि संसार में जीवन आनंद पूर्वक तब हो सकता है, वो परमात्मा को भी और परमात्मा की भक्ति तब प्राप्त कर सकता है जब आप संसार से प्रेम करते हैं। क्योंकि आपने संसार में जन्म लिया है, यहाँ से अगर आपने इसको दुखाकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए या उनकी भक्ति करनी चाहिए तो रास्ता तो वही है, ये संसार से होकर ही जाएगा। जिसने इस परमात्मा के जो इन सबके अंदर व्याप्त है उसमें परमात्मा से प्रेम नहीं किया, वो मुझे ना दिखने वाले में कैसे प्रेम कर सकता है, क्योंकि वही साकार उस निराकार की ओर जाता है, यही रास्ता है।